पौरी में तेज बारिश से कृषि विभाग कार्यालय घरों दुकानों में भरा पानी, पीएम आवास की छत भरभरा कर गिरी। पौरी में लंबे अंतराल के बाद अच्छी बारिश का दौर पिछले दो दिनों से शुरू हो चुका है। आज शुक्रवार को भी पौरी नगर में अच्छी बारिश हुई है। वहीं पौरी में आज दोपहर में 3 बजे से शाम 5 बजे तक तेज बारिश हुई। इसके चलते कृषि विभाग कार्यालय घरों दुकानों में पानी भर गया। वहीं पौरी नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 4 नया गांव में बुधवार की रात तेज बारिश के दौरान वर्ष 2016-2017 में बने पीएम आवास योजना की छत धराशायी हो गई। इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज रात को भी मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पौरी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 11 तहसील के सामने हुआ जलभराव, नहीं है कोई सुध लेने वाला। हम बात कर रहे हैं पौरी नगर परिषद में आने वाले वार्ड क्रमांक 11, जिसमें जो कि सबसे व्यस्त जगहों में से एक है, जो तहसील कार्यालय के सामने बनी दुकानों और कृषि विभाग के ऑफिस में पानी भर गया है। वहीं कृषि विभाग ऑफिस में रखे हुए कट्टे पानी में डूब गए और दूसरी तरफ लोगों को दुकानों तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं बचा। साथ ही वहां पर नगर परिषद द्वारा एक ट्यूबवेल लगाया गया है, जिसके बिजली के तार खुले में डले हुए हैं, जिसमें कभी भी कोई जनहानि होने की आशंका बनी हुई है। पौरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। शिवम श्रीवास्तव, ये आपके दुकान के सामने जो पानी भर रहा है, कहीं निकासी नहीं है कभी? कोई निकासी नहीं है कहीं से। अभी तक इसकी कोई शिकायत आपने वार्ड में? नगर वार्ड मेंबर को शिकायत कर चुके हैं। वार्ड नंबर 11 में आता है, तहसील प्रांगण, तहसील क्षेत्र है। वार्ड नंबर 11 में आगे पार्षद को शिकायत कर चुके, अध्यक्ष को कर चुके, सीएमओ को, चार चार छः छः सीएमओ बदल गए उनको कर चुके, इंजीनियरों को कर चुके, लेकिन 2 साल से कोई सुनवाई नहीं है। हर साल 2 वर्ष से यही हालत होती है बारिश में। आपके सामने दुकान के सामने बोर लगा हुआ है, तार खुले डले हैं, बोर पानी में डूब रहा है। कभी भी कोई जनहानि, पशु हानि कुछ भी हो सकती है। इस चीज़ पे कोई अभी तक ध्यान किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया।